अंबेडकर नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों के रहने के लिए भवन का निर्माण हो रहा है, मगर इस मकान निर्माण की गुणवत्ता में काफ़ी कमियां बताई जा रही हैं। आरोप है कि निर्माण केंद्र में सफ़ेद बालू का भी प्रयोग किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? लवकुश मुखिया। मेडिकल कॉलेज में प्लास्टर का काम कर रहे हैं आप? जी। तो यहाँ मोरंग और सफ़ेद बालू दोनों मिलाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो वो हम नहीं जानते, आगे से जो बालू आता है, मोरंग आता है, वहीं लगाते हैं। ये ऊपर का जो निर्देश, आप उसका पालन करते हैं? जी। इस मेडिकल कॉलेज के टाइप 3 में बिल्डिंग के प्लास्टर का कार्य चल रहा है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता की जा रही है। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह मानकों के विपरीत इस बिल्डिंग में सफेद बालू से प्लास्टर का कार्य चल रहा है। मोरंग और बालू को पहले से मिलाकर रखा गया है, जिससे इसकी अस्पष्टता को उजागर न किया जा सके। यहाँ पर कार्य कर रहे मजदूरों से जब हमने बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऊपर का जो निर्देश है उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। और हैरत की बात है कि राजकीय निर्माण निगम, जो इस मेडिकल कॉलेज की कार्यदायी संस्था है, उसके अधिकारी भी सब कुछ जानकर अनजान बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से कार्य चलता रहा तो योगी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त कार्य का दावा कैसे सफल होगा। अनुराग चौधरी, ईटीवी भारत, अम्बेडकर नगर।